ऐसी लोग बातें करते हैं 35 साल जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और वो कहती हैं कि सियासत ना करो, सियासत तो ये लोग खुद करते हैं। अभी आप अंदाजा करें, 9 सीटें निकाली थी, ऐसी 9 सीटें जिसपे के इमरान खान के लोग ना जीत सके, लेकिन खाते मुंह की हैं हमेशा। उसने कहा मैं 9 की 9 सीटों पे अकेला खड़ा हूंगा, सियासत तो ये लोग खुद कर रहे हैं। अच्छा, फिर जब डर और खौफ नजर आया कि दीवार पे लिखा हुआ था कि तुम 9 की 9 सीटें हार जाओगे, तो फिर वापस ले लिया। फिर कहा जी वो सैलाब आया, हालांकि सैलाब तो दूर दूर तक कहीं नहीं था उन सब जगहों पे, क्योंकि इन्हें पता था इमरान खान क्लीन स्वीप करने वाला है। तो ये ऐसी हिमाकतों वाली बातें मत करें, आप लोगों का पता है 35 साल आपने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा है, और आप आपकी तो लॉटरी खुल जाती है जब ऐसे मामला होते हैं। अब लेकिन दूसरे लोग भी, अगर आप जमीना जरा सा गौर करें तो आपके नेबरिंग मुसलमान मुल्कों ने इस दफा इनको लिफ्ट नहीं कराई इम्पोर्टेड वजीर आजम को, इसलिए कि इसकी ना तो घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है, लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पहचानते, पाकिस्तान के लोग भी अब जान गए हैं, बाहर के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने जेलों में जाना था और जबरदस्ती का लाके इनको वजीर आजम बना दिया गया, तो हम इनको क्यों डोनेशन दें। तो एक बार जब लोगों का ही नहीं है, पाकिस्तानी आवाम का एक बार नहीं है, तो दूसरे मुल्कों का कहां से होगा। वो जो कॉलर आए थे ना, उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी कि ऑडिट होना चाहिए, ये जो पैसा आया भी है ना, इसकी शफाफियत का एक एक चीज का ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि इनका तो भरोसा ही नहीं है। चलें एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो, जी हेलो, जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जो आज की न्यूज है ना, जिस तरह पे ये होगा वहाँ न्यूज चलेगी। ये जो दूसरे मुल्कों से चीजें आई है ना, आज शिखर में एक आदमी पकड़ा गया है, वो चीजें बेचता हुआ हुआ था, इस के लिए है। कहा जा रहा है कि कराची में भी पकड़ा गया, सक्कर में भी पकड़ा गया। अब आप देखें जगह जगह लोग पकड़े जा रहे हैं कि जो चीजें जा रही हैं वो बेचारी गरीब आवाम को तो मिल ही नहीं रहा। जी जो सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है ना, वो सिंध से आ रही है। नियर इन फ्यूचर ये पंजाब में भी होगा, बलोचिस्तान में भी होगा, वहाँ फ्रंटियर में भी होगा, हर जगह होगा, और हर दफा होता है जब भी ये कोई भी ऐसा सैलाब आए, जलजला आए, ये चीजें होती हैं, और सालों साल वो लोग बेचते हैं फिर इन चीजों को, और उनपे साफ लिखा होता है ये, मैं ये 2019 में पाकिस्तान गया तो मुझे नजला हो गया, तो वो मैंने टिश्यू पेपर लेने थे, टिश्यू पेपर पे 20 रुपीज लिखा हुआ है, वो मुझे कह रहा है कि तुम 25 रुपीज दो। मैंने उसका कहा मैं तुम्हें 25 रुपीज क्यों दूं, ये जो 20 लिखा हुआ है। मैं उसका रोज का कस्टमर था, वो गैस स्टेशन था हमारे अजीज थे जिनका गैस स्टेशन था, पिछली तरफ घर था जहां हम रुके हुए थे, मैं कुछ 400-500 रुपीज का रोज का उसका कस्टमर था। मुझे इतनी नफरत हुई उसको, मैंने वहां जाना छोड़ दिया था, दूसरी तरफ से जाया करता था, क्योंकि वो 5 रुपए मुझे चीट कर रहा था। और उसने ये ख्याल नहीं किया कि ये 500-600 लाखों की तादाद से ना वो लोग हर पाकिस्तान में नहीं घूमा जाता, बहुत मुश्किल है। जैसे वो कह रहे हैं कि वही लोग थे, सबके सारे वही लोग हैं, हर जगह जलसे में वही लोग आते हैं, गाड़ियाँ इंतजाम की जाती है, बसों का अरेंज किया जाता है, बसों में बुलाया जाता है। अमरान ये काम नहीं करेगा, पीपल लव हिम एंड पीपल डू फॉर हिम। सबसे ज्यादा तो जो बहन आई थी, अच्छी बातें की है, हम ना कपड़े, उन्हें चाहिए कि मियां साहब को कॉल करे और मियां साहब पाकिस्तान आए, तो वो भी उनका भी हक बनता है। 3 दफा के मिनिस्टर है आके पाकिस्तान की, तो मजेदारी तो फिर है ना, ये तो एक खराश भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, और नहीं बस है ना दूसरे मुल्क में हुकूमत दे दो, हुकूमत करने के लिए आ जाएंगे। ऐसा ना गो हैपन नो मोर, कंट्री दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान चेंज हो रहा है। ऑल द बेस्ट, फिर कॉल करते हैं। जी अच्छा, ये बताएंगे वो जो अभी है ना, मौसम भाई आपसे सवाल कर रही हूँ मैं कि अभी जो है ना सिस्टर अभी जो आई थी कॉलर, वो कह के गई है कि इनको भी अपनी कुर्सी से ही प्यार है, कि इनको चाहिए कि ये सब कुछ भूल जाएंगे, जलसों में इतना पैसा लगा रहे हैं, जलसे जुलूस में, तो इनको नहीं चाहिए कि मुल्क की इस वक्त सैलाब में जो फंसा हुआ है, 75% मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है, तो इनको बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए, या ये लगे हुए अपनी सियासत के अंदर। आर्मी चीफ हमेशा वही लोग लगाते हैं, और फौरन डायरेक्ट आर्मी चीफ नहीं लगता,
पोस्टों पे जाता है, पोस्टिंग तो होती जनरल है इसकी, इसके फैज बाद को लगता है, जनरल तो क्या फैज आप ये चूज करेंगे आर्मी चीफ नहीं तो इमरान फिर उनसे खान? कहते हैं जनरल फैज हमीद को लगा दे, फिर ये शहबाज ये शरीफ कभी नहीं लगाएंगे। उनको पता है कि ये उसका पीटीआई का मतलब वो चाहती है कि जनरल फैज हमीद को लगाए, नहीं लगाएंगे। तो इसमें भी जो है ना देखें वो अपनी एक तो मनमानी अच्छा, चलती है आपको क्या उसकी। लगता है जिस तरह वो अभी कॉलर कह के गई है, तो इमरान खान को क्या इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहिए, इनसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, या सिर्फ इसी तरह इमरान खान को जलसे जुलूस में ही अपना वो तो जो करना देखें चाहिए, नहीं बैठना वो नहीं तो चाहिए एक टेबल के ऊपर बैठ बैठने के के लिए तो वो डिस्कस कह रहे करेंगे हैं, मुल्क तबाह हो चुका है इसको किस तरह? वो बैठने का यही कहना चाह रहा है कि मैं बैठने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो डायरेक्शन तो नहीं दे एक रहे जिद हैं पे बैठने के लिए तैयार है कि मैं इस जब बैठूंगा, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस इलेक्शन की की डेट हो जाएगी। जाए तुम अपना जी काम करो, ठीक है अपने बस तो अगर एमसीडी के इलेक्शन की डेट, तो वो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ तो अभी जाने के लिए तैयार नहीं इलेक्शन है, तो हम तो इलेक्शन जब उनके ही कराएंगे देखें, जब हमारा टाइम पूरा होगा। वो तो जब वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तो उनकी वो तो जिसे कहते हैं नियत में फतूर आ चुका है। पहले तो ये चीज हो रही थी कि जी इलेक्शन करा दे पीटीआई वालों के, बिल्कुल ना है गवर्नमेंट है इलेक्शन अनाउंस करें ये करें, खैर वो अदम एतमाद आ गई तो उनकी हुकूमत गिर गई और ये हो गए, अब वो नाक बन के बैठ गए। तो इस तरीके से पहले तो आपके सामने ही कह रहे थे ना कि इस्तीफे दो और असेंबलियों में बैठने की जरूरत नहीं है, असेंबलियों को तोड़ो और ये ऐसी असेंबलियों में नहीं, बैठने से क्या बहुत फायदा, कुछ तो आज जो है ना असेंबलियों में बैठे हुए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है ये जो हुकूमत अभी है, जो हुकूमत संभाली हुई है। अभी जो मुल्क के हालात है आप देखे ना, रोटी इतनी महंगी हो चुकी है, आटा गायब हो गया दुकानों से, आटा नहीं मिल रहा, गैस के अभी प्राइस इतने बढ़ गए हैं, तो जब ये इन सब जिम्मेदार, चीजों पे काम ये नहीं कर जिम्मेदारी पा रहा दरअसल है ये है तो ना किस बात की इमरान खान हुकूमत की होगी, है, किस बात की हुकूमत संभाली हुई, सवाल ये पैदा होता है। देखिए यही अगर तो कह ये रहा नहीं हूँ। कहते कि इलेक्शन की तरफ जाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, अगर जरदारी साहब आते हैं, जरदारी साहब आए, नवाज शरीफ आते हैं, नवाज शरीफ आए, ताकि मुल्क में जो इस कदर तशद्दुद फैला पड़ा है उस पर तो कंट्रोल किया जाए, कोई तो आए हुकूमत। ये गद्दारी जी का गेम भी है, ये तरकारी पकाए कोई भी जाके आए, इमरान खान आना चाहते हैं, इमरान खान आए, साफ और शफाफ नहीं, इलेक्शन हो चाहिए, साफ अवाम और किसको चाह रही है, शफाफ जमहूरियत इलेक्शन का। हो जी और बिल्कुल साफ पता चल जाए कि भाई ये नून जीती है, पीटीआई जीती है, पीपल्स पार्टी जीती है, सही, हुकूमत अगर आप जीती है, सोचे नून चाहे लीग आती है तो नून लीग आए, मोस्ट वेलकम, ताकि काम करेगी नून लीग, एक तरह से आ गई है नून लीग, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि चलें जी भाई ये लोग आ गए, अब ये काम और करके उसको दिखाएं। 5 साल तक करने देना चाहिए। जी इसमें भी इन लोग को चाहिए कि कोई ऐसी कानून साजी करें, असेंबली के अंदर कोई बातचीत करें। अब हर दफे में ये 2-3 साल होता है, अदम एतमाद आ गई, गिर गई हुकूमत, अब आप मुल्क का पैसा भी बड़ा गर्क हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने जितने मुराद ली थी तनख्वाहें वनख्वाहें सब गई, तो ये सारी चीजें तो आपको यानी कि बस ये अप्रूव। होता है कि जल्दी से फंडिंग जमा करो, फंड जमा करो और निकलो यहाँ से, और सब कुछ लूटो पूटो और करो, अपनी जायदादें वो तो बनाओ। जब पता चल अब जाए तभी इमरान तो खान के बात। ऊपर जब जिस तरह भी ये कॉलर ने कहा कि भाई इनके पास तो इतने इल्जामात इनके ऊपर हुए हैं, तो जो सबका हुकूमत थी वो